हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 1 रुपए 15 पैसे की गिरावट देखने को मिली और यह स्टॉक ऑलमोस्ट 1.5% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल चार्ट पर आए तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा, जहां पर ये स्टॉक पीछे के 1 हफ्ते में 5% की गिरावट देखने को मिली है। 1 महीने में इस स्टॉक में 17% की गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार देखें तो इस स्टॉक में एक ऊपरी लेवल से एक गिरावट देखने को मिली है। इस स्टॉक में जो एक टॉप हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया 95 रुपए, 95 रुपए इस स्टॉक में एक ऊपरी लेवल पर बॉटम बना और लगातार इस स्टॉक में एक दबाव देखने को मिल रहेगा। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको एक स्टॉप लॉस ट्रेड करके चलना चाहिए। जहां पर इस स्टॉक में देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल निकल के आता है 62 रुपए, 62 रुपए 70 पैसे। इस स्टॉक का नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक ये स्टॉक इससे ऊपर है तो इस स्टॉक में एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। अगर आपके पास इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म को भी रखते हैं तो अराउंड 62 रुपए के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 100 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। और इस स्टॉक में अगर आप शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हो तो अराउंड 65 रुपए के एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 70 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। और इस स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट 94 रुपए के बाद ही देखने को मिलेगा, जहां पर ये स्टॉक और बड़ी तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। अगर हम पीछे के 3 महीने में देखें तो अराउंड इस स्टॉक में 15% की गिरावट देखने को मिली है और 1 महीने में इस स्टॉक में 17% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिल रही है। तो लगातार इस स्टॉक में एक ऊपरी लेवल से गिरावट देखने को मिली है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।